हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक अपडेट देने वाला हूँ। अपडेट है नीदरलैंड से, जिसको हम हॉलैंड भी बोलते हैं। नीदरलैंड्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन है ऐसे लोगों के बीच में जो वर्क करने जाते हैं। बहुत सारे इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं नीदरलैंड्स में, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं नीदरलैंड्स में जो इंडिया से पढ़ने के लिए नीदरलैंड्स जाते हैं, और टूरिस्ट भी बहुत जाते हैं नीदरलैंड्स घूमने के लिए। एम्स्टर्डम बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के बीच में। अब देखिए, नीदरलैंड से अपडेट ये आया है कि नीदरलैंड ने इंडिया को वेरी हाई रिस्क कंट्री से हाई रिस्क कंट्री में शिफ्ट कर दिया है। तो अब होगा क्या कि पहले आरटीपीसीआर टेस्ट की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब अगर आपको कोविशील्ड या कोई भी WHO अप्रूव्ड वैक्सीन लगी है तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा नीदरलैंड जाने के लिए। तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ट्रैवल करना आसान होगा। बहुत सारी कंट्रीज़ ने अब अपना टूरिस्ट वीज़ा खोल दिया है। मैं इनफैक्ट जून जुलाई में बोल रहा था कि हो सकता है कि 2021 में टूरिस्ट वीज़ा ना खुले, लेकिन अच्छी बात है मैं गलत साबित हुआ। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है और मुझे उम्मीद है कि आने वाली टाइम में और भी कंट्रीज़ अपने टूरिस्ट वीज़ा ओपन करेंगी। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।